वेलकम टू द चैनल आर बी फैंटेसी 7th स्टूडियो में हम बात करने वाले एन बी लीग का जो मैच होने वाला है चार्लोट हॉर्नेट्स वर्सेस मिलांग बक्स के बीच में। मिलांग बक्स जो है अपर पॉइंट टेबल पर थर्ड पोजीशन पर है और 8th पोजीशन पर है चार्लोट हॉर्नेट्स। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकिन बहुत कम डिफरेंस यहाँ पर रिसेंटली तीन मैचेस में, रिसेंटली तीन में से एक ही मैच यहाँ पर चार्लोट हॉर्नेट्स विन कर पाए। सेम पोजीशन पर यहाँ पर मिलांग बक्स जो है यहाँ पर रिसेंटली तीन में से एक ही मैच विन कर पाए, लेकिन कंपेरेटिवली मिलांग बक्स थोड़ी सी स्ट्रांग टीम है एज कम्पेयर टू यहाँ पर चार्लोट हॉर्नेट्स। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे आरबी फैंटेसी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFANTASY7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट्स। सबसे पहले मिलांग बक्स, तो मिलांग बक्स की तरफ से हॉलिडे जो कि यहाँ पर COVID-19 प्रोटोकॉल की वजह से मे भी आपका आज का मैच भी आपको देख खेलते हुए नहीं देख सकते। उनकी जगह पर यहाँ पर वेस्ली मैथ्यू स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर बैन से यहाँ पर कॉन्गटोंग नहीं अवेलेबल यहाँ पर अलिन और उसके साथ साथ डेविन साजो भी अवेलेबल है। तो ये तीन बड़े प्लेयर अवेलेबल है और उसमें से यहाँ पर आपको वेस्ली मैथ्यूज अच्छा खासा टाइम खेलते हुए देख सकते हो, क्योंकि अदर जो इनके यहाँ पर जो बैच प्लेयर है बैकअप गार्ड है वो फिलहाल यहाँ पर इनएक्टिव है। बाकी मिडिलटन इनके क्रेडिट बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज कर दिया, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शायद आपको क्रेडिट की वजह से ड्रॉप करना पड़ेगा। यानिस और नोवेरा ने रिसेंटली मैचेस में स्टार्ट किया तो यही आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे और सेंटर से स्टार्ट करेंगे बॉबी पोर्टिस जो कि 100% अपोनेंट के पास रहने वाले, 100% अपोनेंट के पास रहने वाला यूनिस भी और यूनिवर्सल एसपी भी रहने वाले और उसी के साथ साथ 100% अपोनेंट के पास आपके पास रहने वाले नोवेरा। तो ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सभी लोग इनके साथ जा सकते हैं। बाकी मिडिलटन ऑलमोस्ट यहाँ पर 30-35% लोगों के आपके पास रहेंगे, अपोनेंट के पास आपके रहेंगे, लेकिन वेस्ली मैथ्यूज एक पॉइंट पिक आपको मिल जाएंगे, टाइम अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि बैकअप यहाँ पर गार्ड इनके पास अवेलेबल है और लास्ट मैच में वैसे भी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। 12.7 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक से अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके तरफ से आया था। वैसे पोर्टिस के लिए भी बेस्ट रहा था, अगर यहाँ पर जेल ट्राई करो तो डेफिनेटली आप इन्हें पीपी ट्राई कर सकते हो। नोवेरा के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप इसे कह सकते हो, 13.2 रिबाउंड की तरफ से आए थे। मिडिलटन एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा था अगर क्रेडिट के हिसाब से अगर यहाँ से बात करें। योनिस यूनिवर्सल एसपी रहने वाले, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आता है और हर सेक्शन से इनके तरफ से बेस्ट आता है और बेस्ट यहाँ पर एसपी चॉइस के लिए हर लीग में और हर मैच में यहाँ पर यही एक प्लेयर आपके पास अवेलेबल है। अगर बैकअप की अगर बात करूँ तो बैकअप जो बेंच प्लेयर के लिए थे लास्ट मैच में उनको बेस्ट टाइम मिला था क्योंकि गार्ड के प्लेयर अवेलेबल नहीं है। गलीलियो ने भी सबसे बेस्ट टाइम के लिए थे, दोनों गार्ड के प्लेयर बेस्ट टाइम के लिए थे क्योंकि गार्ड के इनके पास बहुत कम अवेलेबल है। मोकोलेस का को ट्राई कर सकते हो, ओजेला के आपके पास अवेलेबल है और उसके साथ साथ एंटीकोनोमो आपके पास अवेलेबल है। तो ये कुछ प्लेयर अवेलेबल है जिन्हें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन लास्ट मैच में यहाँ पर होल्ड को यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिला है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली होल्ड को ट्राई कर सकते हो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हो। बाकी अदर प्लेयर को शायद मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल करूँगा नहीं, ओजेला को जेल में ट्राई करना, 5 क्रेडिट का प्लेयर है, कई मैचेस में इन्होंने बेच दिया तो ओजेला एक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर जेल पिक, रिस्क लेना अगर आप पसंद करते हो तो। बाकी अगर यहाँ से चार्लोट्स की तरफ से बात करो तो लोंजो बॉल आपको स्टार्टिंग करते देखेंगे, पॉइंट गार्ड से शूटिंग गार्ड से स्टार्ट करेंगे रॉयजर्स, स्मॉल फॉरवर्ड से आए वो स्टार्ट करेंगे, पावर फॉरवर्ड से ब्रिजेस स्टार्ट करेंगे और सेंटर से स्टार्ट करेंगे प्लम। अभी स्टार्टिंग लाइनअप से इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर ऐसे बात करूँ तो हेवर, उसके साथ साथ रॉयजर्स और बॉल जो होने वाला है तो ये दोनों प्लेयर शायद यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी माइल ब्रिजेस अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस इनकी तरफ से कभी भी आता है, लेकिन लोंजो बॉल अगर स्टार्ट अच्छा खासा करके तो माइल ब्रिजेस का जो ऑफेंस का जो रोल रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लास्ट मैच में 19.2 रिबाउंड, 3 असिस्ट और 1 ब्लॉक के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था और उसी लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पर आया था हेवर्ड के पास। रॉयजर्स फिर से यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट पिक कहूँगा, 3.2 शूटर है, कभी कभी फ्लॉप भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। लोंजो बॉल जो कि यहाँ पर शायद आपको यूनिवर्सल पीपी भी देखने को मिलेंगे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आता है, लास्ट मैच में भी 12.8 रिबाउंड, 12 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील, तो वन ऑफ द बेस्ट पिक। प्लम स्टार्टिंग लाइनअप में आएंगे, सेंटर से खेलेंगे, लेकिन टाइम इतना बेस्ट इनको मिलेगा नहीं। वैसे वे लास्ट मैच में वाशिंगटन खेल रहे थे तो बहुत कम टाइम इनको यहाँ से मिला था, ये प्लेयर अराउंड यहाँ पर 25 मिनट खेलता था लेकिन लास्ट मैच में 19 मिनट ही खेला था क्योंकि यहाँ पर प्लम रिसेंटली मैचेस खेल नहीं रहे थे और सॉरी वाशिंगटन रिसेंटली मैचेस खेल नहीं रहे थे और वाशिंगटन के वापस आने की वजह से प्लम का लास्ट मैच में बहुत कम टाइम यहाँ पर मिला है। तो इन्हें यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर वाशिंगटन और मैकडेनियल्स वन ऑफ द बेस्ट पिक। गार्ड से अगर बात करो तो उबेर के लिए लास्ट मैच सबसे बेस्ट गया अगर आपके पास क्रेडिट
अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ट्राई करना। जी एल के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक, 32.6 रिबाउंड और एक ब्लॉक इनकी तरफ से लास्ट मैच में आया था, बेस्ट रहा था। वैसे वाशिंगटन का रिसेंटली मैचेस खेल नहीं रहे थे और लास्ट मैच इनका कमबैक था और कमबैक मैच में यहाँ पर बेस्ट देकर आ रहे। 14.8 रिबाउंड, 4 असिस्ट और एक स्टील के साथ। बैगनेडेल्स खेले से खेलेंगे यहाँ पर बैकअप बेंच, मार्टिन आपके पास अवेलेबल है जो कि यहाँ पर खेलेंगे फॉरवर्ड पोजिशन से। तो ये कुछ प्लेयर अवेलेबल है जिन्हें आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, मार्टिन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और सभी जो बाइल प्लेयर है, अगर यहाँ से बात करूँ वाशिंगटन और मार्टिन, इन दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, तो इन्हें यहाँ पर जेल में ट्राई करना। अदर अगर यहाँ से आपको बात करूँ तो यहाँ पर उबेर आप यहाँ पर विजन एलोन पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम एलोन पर शायद यहाँ पर आपको रेडिटिव शो देखने को मिलेगा। कुछ प्लेयर के कुछ अपोनेंट के पास आपके रहने वाले हैं मैकडेनियल्स, तो इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो, और प्लम भी कुछ अपन उनके पास रहेंगे। तो ये कुछ पे पॉइंट पिक है जिन्हें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोनों को शायद यहाँ पर मैं प्रिफरेबल करूँगा नहीं, रीज़न है इनका टाइम। बाकी अगर यहाँ से जी ड्रीम इलेवन टीम की अगर यहाँ से बात करो तो हॉलीडे खेलने रहे और 6-7 बॉल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन और अवेलेबल नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर है जो इन्हें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, मिलॉक बक्स की तरफ से पॉइंट पिक है जिन्हें ट्राई कर सकते हो, शायद आपके पास एक हिल का ऑप्शन अवेलेबल है, इन्हें यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। शायद आज का मैच यहाँ पर हिल भी यहाँ पर ठीक है, तो हिल भी यहाँ पर आज के मैच में आउट है, तो अदर ऑप्शन आपके पास बचते गैलीलियो का, तो इन्हें यहाँ पर आप ट्राई करना, हिल ऑलरेडी यहाँ पर आउट है। तो राइजर्स की अगर बात करूँ तो स्मॉली के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो कि आप स्टार्टिंग लाइनअप में आएंगे, एवर मिलन के लिए शायद आपके पास क्रेडिट अवेलेबल ना हो। योनिस और माइल ब्रिजेस को अगर पिक करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्रेडिट्स के साथ। बॉबी पोर्टिस हमारे लिए यहाँ पर पॉइंट पिक, अगर यहाँ से आपको यहाँ से पिक करना है माइल ब्रिजेस को भी, तो शायद आपको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा रॉयजर्स। अगर यहाँ से रॉयजर्स को ड्रॉप करते तो भी हमारे पास यहाँ पर उतने क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहते, वुड आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जो कि आप फिर लास्ट मैच से खेला था बैन से, और बैन से इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। तो ये कुछ चेंजेस कर सकते हो, अगर आप पर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो हाइवर की जगह पर शायद आप यहाँ से कुछ चेंजेस ऐसे कर सकते हो। हाइवर की जगह पर आप यहाँ पर ऑब्वियसली मैथ्यूज को पिक कर सकते हो, बचते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर 9.5 क्रेडिट, और 9.5 क्रेडिट में आपके पास प्लम आ जाएंगे जो कि आप स्टार्टिंग लाइनअप पर रहेंगे। अदर कोई यहाँ पर बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं, मार्टिन को ट्राई करना लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की पिक, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर मैकडेनियल्स या फिर प्लम इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, रॉयजर या फिर आइवर दोनों में से किसी को पिक करना। अगर आप यहाँ पर रिस्क ले तो यहाँ पर माइल ब्रिजेस को ड्रॉप करना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैथ्यूज के साथ चले जाना, बचते यहाँ पर 12 क्रेडिट, और 12 क्रेडिट में आपके पास रॉयजर्स डेफिनेटली एक बेसिक यहाँ पर पॉइंट पिक आपके पास आ जाएगा जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक डिफॉल्ट पिक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ से एसपीपीपी चॉइस की अगर यहाँ से बात करो तो नो डाउट यहाँ पर योनिस होने वाला है, यूनिवर्सल एसपी और यूनिवर्सल पीपी होने वाला है लोंजो बॉल, लेकिन माइल ब्रिजेस पर ध्यान रखना है, ये प्लेयर कई बार यहाँ पर डैमेज दे देता है जब इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। तो माइल ब्रिजेस एक पॉइंट पिक आपके लिए हो सकते हैं जिन्हें यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, मिनी जीएल स्मॉल लीग के लिए पॉइंट पिक और जीएल के लिए एज अ यहाँ पर पीपी स्टार प्लेयर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन, एसपी रहने वाला है योनिस और पीपी रहने वाला है लोंजो बॉल। बाकी फाइनल अपडेट आएंगी वो आएंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसी के साथ साथ शायद विजन इलेवन की टीम भी आएगी क्योंकि यहाँ पर माइल ब्रिजेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो होप गाइस वीडियो पसंद आएगा, उसी के साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।